तो इस बार रक्षाबंधन 2024 में शुभ मुहूर्त क्या होगा, शुभ पल क्या होगा जब बहन अपने भाई के दाहिने हाथ में राखी बांधेगी? वो राखी बांधने का शुभ पल क्या होगा जब बहन अपने भाई को राखी बांधेगी और भाई की तरक्की होने लगेगी? रक्षाबंधन पर 7.5 घंटे तक भद्रा रहेगा। कोई बहन अपने भाई को इस भद्रा में अगर राखी बांध देती है तो कुल का नाश हो जाता है, भाई का अमंगल होने लगता है। तो ऐसा आप क्यों करेंगे? भद्रा काल में क्यों राखी बांधना? शुभ मुहूर्त जान लीजिए, सही समय जान लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राखी बांधने का सही समय क्या है आप यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार कई शुभ संयोगों के साथ पड़ रहा है। रक्षाबंधन के दिन सावन सोमवार है, श्रावण पूर्णिमा है, भोलेनाथ का दिन है। रक्षाबंधन पर ये दो महत्वपूर्ण व्रत है। तो इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर 7.5 घंटे का भद्रा का साया है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाते हैं और ये 19 अगस्त को पड़ेगा। लेकिन फिलहाल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र ने बताया है रक्षाबंधन में राखी बांधने का सही समय, और ये सही समय जब बताते हैं तो लोग इन्हीं को कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आइए इनकी सही जानकारी जान लेते हैं। रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है सावन पूर्णिमा तिथि का, 19 अगस्त सोमवार को 3 बजे एकदम सुबह लगेगा, और सावन पूर्णिमा तिथि का समापन 19 अगस्त को सोमवार को 11:55 पर समाप्त होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 19 तारीख को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना उचित है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर 7 घंटे से अधिक भद्रा का साया है, ऐसे में इस पल पर राखी मत बांधे, कुल का नाश हो जाता है, भाई का अमंगल होने लगता है। भद्रा सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक है। तो जिस चीज को बुरा कहा गया, जिस चीजों को अमंगल कहा गया, देखिए भद्रा शनि देव की बहन है और ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया था। यही कारण है कि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, तो क्यों आप भद्रा में शुभ कार्य करें? भद्रा समाप्त होने का संयम रखें। तो इस बार ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मिश्र कहते हैं कि भद्रा कहीं की भी हो अशुभ होती है। रक्षाबंधन 2024 में राखी बांधने का जो सही समय है फटाफट जान लीजिए। देखिए, बहन अपने भाई को दोपहर 1:30 बजे के बाद राखी बांधेगी। रात 9 बजे तक किसी भी समय तक राखी बांधा जा सकता है, लेकिन 1:30 बजे से पहले तक मत बांधिएगा। लोग सुबह सुबह उठते हैं और राखी बांधने के बारे में विचार करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और अपने भाई को राखी बांध देते हैं। सुबह इस बार राखी नहीं बांधी जाएगी। और ध्यान रहे कि मंदिर को साफ कर लीजिएगा, गणेश जी को राखी बांधिएगा, उसके बाद ही भाई को राखी बांधिएगा। 1:30 बजे के बाद जब आप राखी बांध रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि टूटे हुए चावल उसमें मत रखिएगा, राखी टूटी हुई मत बांधिएगा, दाहिने हाथ में ही राखी बांधिएगा, 3 गांठ लगाइएगा। राखी बांधने के 2 समय वर्जित हैं, एक राहु काल और दूसरा भद्रा। ये दोनों चीजें इस बार लग रही हैं, तो इस कारण से आप राहु काल जो सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक है, इसमें भी राखी मत बांधिएगा। रक्षाबंधन में सावन सोमवार है, श्रावण पूर्णिमा है, भोलेनाथ का दिन है। स्नान दान करिए, पूजा करिए, एक लोटा जल भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा कर आइए, परिवार की सुख शांति और समृद्धि होती है। तो एक अपडेट था, नई जानकारी थी, 7.5 घंटे तक भद्रा का साया रहेगा। लेकिन जो शुभ मुहूर्त बता दिया गया है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र के द्वारा, यही लोग बताएंगे। और ये आप मान के चलिए कि इस बार 1:30 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है, लेकिन महासंयोग में अगर आप राखी बांधना चाहते हैं 2 बजे से 4:30 के बीच में बांधिएगा। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करके जाइएगा, और सही जानकारी है इसलिए दूसरों को भी शेयर करिएगा। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।